नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ सेगमेंट में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कभी कभार देखी जाती होगी, और जिसकी वजह से लोगों में तमाम तरह की परेशानियां आ जाती हैं। दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे लाइफ है उनकी वो काफ़ी परेशानी में गुजरती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आर्थराइटिस को कैसे दूर करना है, ऑपरेशंस कैसे कराने हैं, सर्जरी कौन कौन सी करनी है, और लाइफ स्टाइल में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। इसी पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा हैं। डॉक्टर सुशील शर्मा सीनियर डॉक्टर हैं, चेयरमैन हैं AFI के, और साथ ही साथ कैलाश हॉस्पिटल और कुंदन लाल हॉस्पिटल ईस्ट दिल्ली के सीनियर डॉक्टर में वो हमेशा गिने जाते हैं, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेके हम सबके बीच में है। सर, मोस्ट वेलकम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर से करेंगे डिस्कशन, लेकिन सबसे पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए आप। दर्द, अकड़न और जोड़ों में सूजन जैसी बीमारियां आर्थराइटिस के ही लक्षण हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करने से जोड़ों के दर्द और अकड़न से राहत मिलती है, साथ ही इससे मांसपेशियां मजबूत और लचीली भी होती हैं। इसके अलावा वजन करने में भी ये मददगार साबित होती है। एक्सरसाइज आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट प्लान का एक हिस्सा है। इसके ट्रीटमेंट प्लान में रिलैक्सेशन, उचित आहार और मेडिटेशन शामिल है। जोड़ों के मूवमेंट को सामान्य बनाए रखने के लिए मोशन की अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए। इस तरह की एक्सरसाइज की मदद से शरीर में लचीलापन बना रहता है। आपको बता दें कि इन मोशन एक्सरसाइजों को नियमित रूप से किया जा सकता है, लेकिन कम से कम एक दिन छोड़ के एक दिन में इनको जरूर करना चाहिए। डॉक्टर सुशील शर्मा से हम बात जानने की पूरी कोशिश करेंगे और निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेंगे कि आर्थराइटिस है क्या। सर, सबसे पहले आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आर्थराइटिस जोड़ों का दर्द है क्या। आर्थराइटिस बुनियादी रूप से जोड़ों में सूजन और दर्द की बीमारी है, जो कि सभी जोड़ों में हो सकती है। घुटने, एंकल, कूल्हे और हाथ के जोड़, कलाई, एल्बो, शोल्डर, सभी जोड़ों में ये प्रभाव कर सकती है। और इसके बहुत सारे प्रकार हैं। आर्थराइटिस जो सबसे ज़्यादा आमतौर पर देखी जाती है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस, जो कि उम्रदराज आर्थराइटिस है, जो कि 40-50 की उम्र के बाद होती है। ये सबसे ज़्यादा है। और दूसरे नंबर पे एक जवानी की आर्थराइटिस है, जिसको कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। उसके अलावा बहुत सारे किस्म हैं आर्थराइटिस के। यूँ समझिए करीब 28 किस्म की जोड़ों की बीमारियां हैं आर्थराइटिस की। बिल्कुल, आपने कहा कि 28 टाइप्स की बीमारियां होती हैं आर्थराइटिस की। सर, आपने कहा कि जॉइंट्स में दर्द होता है, सबसे ज़्यादा घुटनों में क्यों देखा जाता है? इसलिए जैसे कि मैंने बताया कि उम्रदराज लोगों में सबसे ज़्यादा आर्थराइटिस ऑस्टियो आर्थराइटिस होती है, जिसको कहते हैं डीजेनरेटिव आर्थराइटिस, जो जॉइंट घिस जाता है, ग्रीस कम हो जाती है। और निश्चित रूप से ये सबसे ज़्यादा वज़न देने वाले जोड़ों में होती है, और भारत में और दुनिया के सभी देशों में ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा घुटने पे वज़न आता है। घुटना सबसे जल्दी ख़राब होता है, उसका मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सबसे अधिक ये बीमारी घुटनों में होती है। इसलिए नी ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन है। बिल्कुल, आपने सही बताया कि घुटनों से हम लोग हर जगह उनका इस्तेमाल करते हैं आने जाने में, और ओवरवेट की परेशानी सबसे ज़्यादा घुटनों को झेलनी पड़ती है, तो ये परेशानी नी में बहुत देखी जाती है। सर, अगर बात की जाए, आपने तमाम स्टडी की है, बुक को लॉन्च किया है, 25 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस आपको है, और तमाम बातों को आप फिल्टर कर चुके हैं। ये देखा जाए कि पहले कहा जाता था कि बुजुर्ग लोगों में परेशानी बहुत देखी जाती है, लेकिन अब देखा जा रहा है कि यंगस्टर्स में परेशानी बहुत देखी जाती है, उनके साथ भी परेशानी है दर्द को लेकर जॉइंट्स में। तो क्या माना जाए कि लाइफ स्टाइल के जो ड्रॉबैक हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है? हाँ, डेफिनेटली अभी बहुत सारे बीमारियों के, बहुत सारे कारणों के प्रभाव जोड़ों पे पड़ते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को आर्थराइटिस एक जैसी नहीं होती। जैसे मोटे तौर पर
एक प्रभाव तो पारिवारिक है, जिसको कहते हैं वंशानुगत, हेरिडिटरी। कई लोगों को पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, उनका प्रभाव पड़ता है, उनके जोड़ जल्दी ख़राब हो जाते हैं। दूसरा, वज़न ज़्यादा होना, दूसरा प्रभाव। तीसरा, घुटनों के अंदर इंजुरीज होना, चोट लगना, ये तीसरा बड़ा कारण है। इस तरह से कई कारण हैं जिनकी वजह से आर्थराइटिस जल्दी और ज़्यादा होती है। उसके अलावा हमने एक पूरी आर्थराइटिस पे अभी अभी एक बहुत बड़ी स्टडी करी है, जो कि 4-5 अस्पतालों के 600 केसेस को हमने स्टडी किया है, कि बहुत सारी जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, हाइपरटेंशन और दूसरी जो बीमारियां हैं, ये सब जो बीमारियां हैं इनके साथ ऐसा माना गया है। अभी 600 केसेस में ये स्टडी है जो हमारी, इसमें हमने ये देखा कि जब दूसरी बीमारियां भी साथ होती हैं तो आर्थराइटिस की बीमारी तेज़ी से और ज़्यादा बढ़ती है आगे, और लोग ज़्यादा प्रभावित भी होते हैं उससे। बिल्कुल, आपने कहा ठीक कि अगर बॉडी में और बीमारियां होती हैं तो इसकी वजह से अर्थराइटिस की परेशानी लगातार बढ़ती जाती है। और जैसा आपने रिसर्च में भी देखा है, तमाम हॉस्पिटल्स में रिसर्च की है, तमाम डॉक्टर्स की टीम आपके साथ थी और रिसर्च में ये बात निकल कर आई है। सर, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कहा भी जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, प्रिकॉशंस क्या हैं? देखिए, मोटे रूप से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये बात सही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे मैंने बताया है कि वज़न एक तो हमारे हाथ में जो है वंशानुगत, हेरिडिटरी एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम नहीं कंट्रोल कर सकते। वो तो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से जो जीन्स हैं वो तो हमने इनहेरिट कर लिए, वो तो आएंगे। लेकिन वज़न हमारे हाथ में है, अपना वज़न हमेशा जो है वो, जिसको कहते हैं BMI को हमेशा 25 से नीचे रखें और वज़न को कंट्रोल करें, नंबर एक। नंबर दो, जो हमारा जो घुटने में छोटी बड़ी चोटें होती हैं उनको उसी वक्त करेक्ट करना होता है, उसी वक्त डॉक्टर के पास जाना होता है और उस वक्त उनको ठीक करना होता है। अगर उनको टाला जाएगा तो धीरे 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 करके जोड़ का ग्रीस खत्म हो जाता है, कार्टिलेज जो होती है रबड़ वो घिस जाती है, और धीरे धीरे 5-7 साल में आर्थराइटिस हो जाती है। हो सकता है जिस वक्त चोट लगे उस वक्त हमें लगे कि ये छोटा मोटा मसला है, लेकिन 4-5 साल के अंदर वो मसला बहुत बड़ा हो जाता है। और इन्हीं सब व्यापक प्रश्नों को जवाब देने के लिए हमने एक, अभी अभी मैंने एक किताब लिखी है, ये हर उस जागरूक नागरिक के लिए एक तरह से 125 प्रश्नों के रूप में ये जवाब में ये किताब है। और ये किताब बेसिकली, ये टोटल ऑर्थोपेडिक सॉल्यूशंस, बोन्स एंड ब्रेक्स, इस किताब के जरिए न सिर्फ जनरल प्रैक्टिशनर्स जो फैमिली फिजिशियंस हैं उनके लिए एक रिवीजन बुक है ये, जिनको समय नहीं मिल पाता है आमतौर पे ज़्यादा मोटी किताबें पढ़ने का, उनके लिए एक रिवीजन बुक है। और जागरूक सिटीजन्स आजकल जो आमतौर पे बहुत जानना चाहते हैं हर बीमारी और हर चीज़ के बारे में, उनको सीधे प्रश्नों के जरिए ये समझाया गया है। बिल्कुल, 125 क्वेश्चंस हैं, उसमें ये अवेयर किया गया है कि आर्थराइटिस को लेके आप क्या क्या सावधानियां रखें, और एकदम जगाया गया है लोगों को, ये कहा जाए कि बिल्कुल संजीवनी है लोगों के लिए। सर, ये सारी बातें तो हो गई, और आपने अभी एक बात कही कि छोटी मोटी चोट लग जाती है उसके बाद हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। कई बार सर ऐसा देखा जाता है कि आप लोग डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको सर्जरी करानी है, लोग सर्जरी कराने से बहुत डरते हैं, उनको लगता है पता नहीं आगे क्या होगा। क्या डिले करना सर्जरी को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आमतौर पे जो आर्थराइटिस से मुतल्लिक जो सर्जरी हैं, आर्थराइटिस से मुतल्लिक सर्जरी शुरुआत में जो हैं वो छोटी सर्जरीज भी होती हैं, हमेशा बड़ी सर्जरी नहीं होती। जैसे जिन लोगों को आर्थराइटिस में शुरुआत में अगर इलाज होता है तो उनका इलाज जो है वो छोटे इलाजों से संभव है, जैसे फिजियोथेरेपी होती है, जैसे उनमें ग्रीस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिसको विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के इंजेक्शन्स हैं आजकल, उनसे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन्स भी हैं जिनसे फ़ायदा हो जाता है, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं उनसे फ़ायदा हो जाता है, छोटे ऑपरेशंस हैं जिनसे फ़ायदा हो जाता है। लेकिन आमतौर पर लोग सर्जरी से डरने की वजह से क्या होता है कि वो जो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 लेवल की आर्थराइटिस होती है उसमें कुछ भी करने से बचते हैं, और धीरे 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 वो बहुत जल्दी कुछ 2-4-5 सालों में वो ग्रेड 4 आर्थराइटिस हो जाती है। ग्रेड 4 आर्थराइटिस के बाद फिर टोटल नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं बचता, और टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। आमतौर पे हम जो है वो कुछ
कोशिश ये करते हैं कि अगर लोग जल्दी इलाज कराएं या छोटा सर्जिकल इंटरवेंशन करवाएं तो बड़े सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता ना पड़े। बिल्कुल, मतलब छोटा करा लेना चाहिए तो बड़े के हम लोगों को चांसेस नहीं पड़ते हैं। सर, कई बार ये देखा जाता है और ये कहा भी जाता है कि जो हमारे क्रिकेटर्स वगैरह हैं, कई आते हैं कि उनकी सर्जरी चल रही है, इस वजह से वो खेल नहीं पाएंगे। स्पोर्ट्स की बात करना चाहें, क्या स्पोर्ट्स के लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम को ज़्यादा देखना पड़ता है या कोई और प्रोफेशन के लोगों को? मैं कंपेयर करना चाहता हूँ कि कहते हैं कि उनको फिज़िकल वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ता है इसलिए उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम चलती है, और कई बार न्यूज़ में भी ये आता रहता है कि स्पोर्ट्स इसलिए नहीं खेल सकते हैं, मैच इसलिए नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि उनको सर्जरी की प्रॉब्लम है, सर्जरी करानी है। क्या ऐसा है सर? देखिए, आमतौर पर जो फिटनेस है, जब तक यंग है कोई भी व्यक्ति, कोई भी खिलाड़ी, कोई भी स्पोर्ट्समैन या विमेन, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लगातार जो है वो अपने को एग्जर्ट कर सकते हैं, पूरी तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी लिमिट्स को, और यूजुअली कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो अगर कोई इंजरी हो गई तो डेफिनेटली उसको ऑपरेशन करके या उसमें रिहैबिलिटेशन करके, जो भी महीना दो महीना, जैसे घुटने में मेनिस्कल इंजरी हो जाती हैं, गत्ता कट जाता है, आमतौर पर 6 हफ्ते लग जाते हैं ठीक होने में, एंड बैक टू द ग्राउंड होने में 6 हफ्ते लग जाते हैं। जैसे रस्सा है जिसको एंटीरियर क्रूशिएट या पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं, वो टूट जाते हैं, तो उसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी फिर से वापस मैदान में आने में 6 महीना तक लग सकता है, क्योंकि उसमें एथलेटिक एक्टिविटी के लिए वक्त देना पड़ता है। उसी तरह से मतलब वक्त देना पड़ता है ये। लेकिन एक बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब इंसान उतना यूथफुल नहीं रहता और थोड़ा उम्र बढ़ जाती है और शुरुआती आर्थराइटिस के चेंजेस होते हैं, उस वक्त अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा जिमिंग या स्पोर्ट्स या दौड़ना भागना करे तो हो सकता है कि आर्थराइटिस उसकी जो है वो कम होने की बजाय ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। ये बात हर आदमी को पता होनी चाहिए कि मुझे घुटने में कोई तकलीफ़ तो नहीं है। अगर तकलीफ़ है तो ऐसा नहीं है कि वो शुरू में जैसे 25 साल की उम्र में दौड़ रहा था वैसा हो सकता है, वो 40 या 42 की उम्र में दौड़ना उसके लिए अच्छा ना हो, वो काउंटर प्रोडक्टिव हो, उससे उसका घुटना उल्टा ज़्यादा ख़राब हो जाए। ये बात बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, आपने एज ग्रुप के बारे में बात कही कि अगर 25 का है और 42 का है तो रेसिंग को लेकर ध्यान रखना चाहिए। और सर, आपने एक जिमिंग की बात की, अब हम जिमिंग पर आते हैं कि अगर किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और वो जिमिंग करने जाता है, हर एक्सरसाइज को करता है, तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या प्रिकॉशंस बरतने चाहिए? नॉर्मली जिमिंग में जो लोग जाते हैं वो, अगर इफ़ दे आर यूथफुल, अगर बहुत जवान हैं तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो भी एक्सरसाइज करेंगे तो उनकी बॉडी उनको अलाउ करती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मतलब अगर आदमी 40 से ऊपर का है तो उसको अगर उसमें थोड़ा भी दर्द है, कहीं भी थोड़ा उसका रबड़ कार्टिलेज जो है वो पुराना है, घिस रहा है, तो अगर वो जो है 10 या 12 की स्पीड पे ट्रेडमिल पे दौड़ेगा तो निश्चित रूप से उसको आर्थराइटिस जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। तो उसके लिए जो अपर लिमिट है वो 6 है, 6 से ऊपर उसको ट्रेडमिल के ऊपर नहीं दौड़ना है। यानी कि फास्ट वॉकिंग अलाउड है, जॉगिंग और रनिंग अलाउड नहीं है, नहीं तो आर्थराइटिस जल्दी होगी। इसके बारे में बहुत सारी MRI स्टडीज़ हैं घुटने के अंदर, जो अमेरिका में मेयो कॉलेज में हुई हैं और भी यूनिवर्सिटीज़ में हुई हैं, उससे ख़राब इफ़ेक्ट होता है। और इसी तरह से आउटसाइड में भी, स्पोर्ट्समैन अगर बाहर मैदान में भी दौड़ेगा तो मैदान में भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा एग्जर्ट करेगा और अर्ली आर्थराइटिस है तो वो बड़ी सीवियर रूप से बढ़ेगी और बहुत जल्दी, वो 2-4 साल में ही हो सकता है जॉइंट रिप्लेसमेंट वाली स्थिति में पहुँच जाए। ऐसे ही जिमिंग में वो एक्सरसाइजेस जिनमें की ज़रूरत से ज़्यादा घुटने के कार्टिलेज पे स्ट्रेस आ रहा है वो नहीं करनी है। उसी तरह से योगा में भी है, योगा में भी सर्टेन योगाज आर नॉट अलाउड। और ये जो हमारी जो बुक है जिसमें हमने बोन्स एंड ब्रेक्स लिखी है, टोटल ऑर्थोपेडिक सॉल्यूशंस, इस किताब में हमने जो है इन सब जिमिंग और इसमें योगा से रिलेटेड प्रिकॉशंस भी हमने एडवाइस किए हैं लोगों को फ़ोटो के साथ, कि कौन सा, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर मतलब घुटना मोड़ के वज्रासन करेंगे तो उसमें आपके घुटने का कार्टिलेज बहुत जल्दी ख़राब होगा। आप तो योगा दूसरों को देख के जो है वो बहुत उम्मीद से कर रहे हैं कि आपका शरीर बहुत फिट होगा, उल्टा आपका घुटना ख़राब हो जाएगा। बहुत सारे योगा हैं जो बैक के लिए अच्छे नहीं हैं, बहुत सारे योगा हैं जो आपकी गर्दन के लिए अच्छे नहीं हैं, और ये बहुत ही मेडिकल साइड है, और इसमें अगर ज़रा भी लापरवाही हुई तो वो योगा और जिमिंग काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। तो दिस शुड बी नोन टू द पीपल। बिल्कुल सर, ये सारी बातें आपने बहुत अच्छे से बता दी कि जिमिंग किस तरह से करनी है, योगा किस तरह से करना है, और तमाम
रिसर्च में ये बात निकल कर आई है। लेकिन सर, जो महिलाएं हाई हील्स पहनती हैं, और क्या उनको माना जाए कि आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हाई हील से होती है, या किसी को आर्थराइटिस है तो हाई हील के इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, हाई हील से मतलब एकदम कोई ऐसा नहीं है कि एकदम एकाध महीने में या दो चार महीने में कुछ एकदम से फ़र्क पड़ेगा। हाँ, हाई हील से डेफिनेटली जो पैर के आर्चेज हैं उन पे बुरा असर पड़ता है, और ऐसे लोगों को आमतौर पे फुट की, जिसको कहते हैं ना, पेनफुल फुट सिंड्रोम हो जाता है। इस तरह से उन लोगों को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा हाई हील वंस इन ए वाइल तो पहनी जा सकती है, लेकिन लगातार हाई हील पहनने से पेनफुल फुट रहेगा, आर्चेस डिस्टर्ब होते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि हाई हील्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी के लिए होते हैं और महिलाओं को ये नहीं पहननी चाहिए। सर, ये सारी बातें होगी, लेकिन कई बार देखा जाता है कि आर्थराइटिस के दर्द से लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि वो अपने ऑफिस नहीं जा पाते हैं, अपना बिजनेस नहीं कर पाते हैं। खासकर अगर बात करें महिलाओं की, वो घर के काम नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से बहुत चिड़चिड़ीपन उनके अंदर हो जाता है। तो क्या माना जाए कि डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत से लोग, ये सब परेशानी को कैसे सॉल्व आउट करें? देखिए, जो हमने अभी आर्थराइटिस की जो स्टडी करी थी, उसमें जो 600 केसेस थे उनमें हमने एक प्रश्न डिप्रेशन से भी एसोसिएशन का रखा था, और ये पाया गया था कि आमतौर पर डिप्रेशन जो है वो आर्थराइटिस के साथ यंग लोगों में बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है। उसका एक कारण बहुत बड़ा ये हो सकता है कि ओल्ड लोग आमतौर पर जब उनकी एक्टिविटी कम होती है, आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द होता है, तो वो शायद रिकॉन्साइल कर लेते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि हमारी उम्र हो गई है, अब हमें उतना काम नहीं करना है, तो उनका एक माइंडसेट बन जाता है कि भाई कोई बात नहीं। लेकिन यंग लोगों में बहुत ज़बरदस्त डिप्रेशन इसलिए होता है क्योंकि वो प्रोडक्टिव एज ग्रुप में हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो परिवार के लिए धन कमाएं, परिवार के लिए काम करें, और ऐसे वक्त में जब उनकी उम्र 50 साल है, जब उनकी उम्र 45 साल है या 55 साल है, 60 से कम है, उस उम्र में उनको अगर काम करने में बहुत दिक्कत आती है तो उन्हें बहुत ज़बरदस्त मनोवैज्ञानिक रूप से डिप्रेशन होता है। बिल्कुल, ये बात रिसर्च में भी निकल कर आई है और आपने इसका एक्सप्लेनेशन अपनी बुक में भी किया है। सर, ये सारी बातें हो गई, आपने कहा नी रिप्लेसमेंट, ये क्या होता है, एक बार इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, आमतौर पर जब ग्रेड 4 मतलब जो है बहुत अंतिम ग्रेड की जब आर्थराइटिस हो जाती है, आमतौर पर उसके लिए हम नी रिप्लेसमेंट करते हैं। नी रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि जो हड्डी है थाई की और पैर की, वो तो सेम रहती है, लेकिन जो घुटने के ऊपर जो रबड़ होती है उसको बदल के नया रबड़ डाल दिया जाता है, और जब वो नया रबड़ डलता है तो वो एक तरह से फिर से नया चिकना जोड़ हो गया, उसमें खुरदुरापन खत्म हो गया, और आराम से व्यक्ति जो है वो चल फिर सकता है, घूम सकता है, पहाड़ चढ़ सकता है, जीने चढ़ सकता है, और कितना भी चल सकता है। हल्का फुल्का सा जो रेस्ट्रिक्शन इस नी रिप्लेसमेंट के बाद अगर किसी व्यक्ति के लिए है, तो वो यही है कि बस वो इंडियन टॉयलेट यूज़ ना करे, जिसमें कि अत्यधिक घुटना मोड़ना पड़ता है। बाकी कोई और रेस्ट्रिक्शन नहीं है आमतौर पे, इवन यहाँ तक कि थोड़ा मोड़ा खेल भी सकता है ना, तो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी। हम कोशिश ये करते हैं कि आमतौर पर जो नी रिप्लेसमेंट वगैरह के जो मरीज़ हैं उनकी उम्र 55 तक मतलब खींची जाए, 55 के बाद उनका नी रिप्लेसमेंट हो, क्योंकि कई बार कई लोगों को 55-60 के बाद होती है आर्थराइटिस, तब तो दिक्कत नहीं है, तब तो हम कर देंगे एक बार रिप्लेसमेंट, तो वो 20-25 साल कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, तो 80-85 तक वो चल जाता है, तो उनको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि 80-85 के वक्त आदमी की एक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है। लेकिन जिन लोगों को आर्थराइटिस जल्दी होती है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जिनको 40-45 की उम्र में ही जोड़ बहुत ख़राब हो गया है, या अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऐसे लोगों को जब जोड़ की ज़रूरत मतलब 48 में, 50 में, 52 में, 53 में पड़ने लग जाती है, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि वो थोड़ा और खींच के उसको 55 तक पहुंचा लें। कम से कम 55 तक पहुंचाने के बाद 55 से ऊपर जो है अगर करेंगे तो उसको रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 20-25 साल मतलब खींच जाएगा और उसके बाद दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट में उसे एक और ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वो ऑपरेशन प्राइमरी जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो पहला जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, उससे थोड़ा और बड़ा होता है। बिल्कुल, जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेके आपने बात कर दी। सर, अगर जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनका मतलब रिप्लेसमेंट हुआ है या कोई परेशानी आर्थराइटिस को लेकर है, किस तरह से आगे की लाइफ को मेंटेन करें जिनके जॉइंट रिप्लेसमेंट हो चुके हैं?
मैंने कहा कि बस इंडियन टॉयलेट वगैरह यूज़ नहीं करना है, और बहुत ज़्यादा जो है वो दौड़ना भागना और ये सब नहीं है, बाकी नॉर्मल एक्टिविटी में जॉइंट रिप्लेसमेंट के मरीज़ में अगर वो नॉर्मल एक्टिविटी करता है तो उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, जीने चढ़ सकता है, पहाड़ चढ़ सकता है, घूम सकता है, फिर सकता है, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, काम, मतलब एक तरह से वो नॉर्मल है, बल्कि अपनी उम्र के बहुत सारे लोगों से कहीं ज़्यादा नॉर्मल होता है। रिवीजन जॉइंट रिप्लेसमेंट की उम्र जो है, जैसे नॉर्मल जॉइंट रिप्लेसमेंट की उम्र 20-25 साल होती है, अगर रिवीजन किया जाता है तो उसकी उम्र यूजुअली कम से कम 8-9 साल तो होती है, तो अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी दोबारा किया जा सकता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि एक बार करें तो वो सारी ज़िंदगी चल जाए। बिल्कुल, कोशिश आप लोगों की ये रहती है कि एक बार करने के बाद दोबारा इसकी रिक्वायरमेंट ना हो, एक बार करने के बाद लाइफ में आगे ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन सर देखा जाता है बहुत से लोग फिजियोथेरेपी कराते हैं, पेन किलर्स को लेते हैं, जेल को लगाते हैं नी पर जिससे रिड्यूस हो जाए जो दर्द है, उसके बाद भी फ़ायदा नहीं मिलता है। क्या पेन किलर को लेना, फिजियोथेरेपी कराना, जेल लगाना कितना लाभकारी है? मतलब ये सारा इलाज जो बिना ऑपरेशन का इलाज है, ये शुरुआती आर्थराइटिस में ये फिजियोथेरेपी दवाइयाँ ये सब काम करती हैं, ये ग्रेड 1 और ग्रेड 2 आर्थराइटिस में बहुत काम करती हैं, लेकिन जब आर्थराइटिस आगे बढ़ जाती है, ग्रेड 3 ग्रेड 4 आर्थराइटिस हो जाती है, तो ये डेफिनेटली उतनी कारगर नहीं है। हमारा आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया का एक ऐप है जिसको बोलते हैं माई बोन्स। माई बोन्स का जो ऐप है ये एंड्रॉयड फ़ोन पे है अभी और एप्पल पे नहीं है, लेकिन ये फ़ोन जो है इसमें अगर आप क्वेश्चंस के आंसर्स चाहे तो कोई भी आदमी अपने फ़ोन में क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ सकता है और माई बोन्स ऐप में जाके तुरंत उसको उसके जवाब मिल सकते हैं। वो अपना बीमारी का स्टेटस मालूम कर सकता है कि उसको कितनी बीमारी है, तो ये घर में बैठे जान सकते हैं आप। दूसरा, आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जा सकते हैं, तो उस वेबसाइट पे जाके बहुत सारी बहुत अच्छी और सरल भाषा में जानकारी आपको मिल सकती है। जस्ट आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट टाइप कर दें और www.arthfound.org। बिल्कुल सर, ये सारी बातें तो आपने बता दी, लेकिन सर अगर किसी के आर्थराइटिस की वजह से दर्द हो रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ, जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और उनके साथ ही परेशानी है, तो इनिशियल स्टेप पर दर्द कम करने के लिए क्या करना चाहिए? इनिशियल स्टेप पर तो दर्द करने के लिए ये है कि उनको जो है वो एक तो एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए, वज़न कम कर लेना चाहिए, छोटी छोटी चोटों को अवॉइड करना चाहिए, जीने कम चढ़ना चाहिए। जिनको शुरुआती आर्थराइटिस है, अगर 3 बार जीने चढ़ के काम चलता है तो उसको घटा के 1 या 2 बार से काम चलाएं। आलती पालती मार के नहीं बैठना चाहिए, क्रॉस लेगेड नहीं बैठना चाहिए। क्रॉस लेगेड बैठने की बजाय थोड़ा सीधा करके बैठें। कोशिश ये करें कि इंडियन टॉयलेट अवॉइड करें। इंडियन टॉयलेट में घुटना बहुत मुड़ता है, उससे जो है वो घुटना जल्दी ख़राब होता है। ये मोटे मोटे प्रिकॉशंस जो हैं अगर वो करें तो घुटना काफ़ी लंबा चल सकता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना इम्पोर्टेंट टाइम हम लोगों के लिए निकाला और अपने सारी बातों को रखा जो कि हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ जो दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे उनको भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी कि आर्थराइटिस है क्या और अगर किसी के साथ ऐसी परेशानी है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, कैसे प्रिवेंशन किया जाए और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वो सर ने सारी बातें बता दी हैं। सर एट द एंड ऑफ द शो चलते चलते कुछ अपने गोल्डन टिप्स दीजिए। ये जो मैंने आपको बताई हैं यही सब गोल्डन टिप्स हैं, इन्हीं को आप फॉलो करें तो अपने घुटनों को ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकता है, ज़्यादा आगे तक इस्तेमाल करता है, शुरुआती आर्थराइटिस के लिए, बीच की आर्थराइटिस के लिए। मैंने बताया जैसे कि इंजेक्शंस वगैरह हैं उनको लगवाए, ज़्यादा आर्थराइटिस वालों के लिए छोटी सर्जरी इसमें काम चलाने की कोशिश करें, और ज़्यादा आर्थराइटिस हो तो डोंट वरी, टोटल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही कामयाब और बेहतरीन ऑपरेशन है और उससे पूरी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। टोटल नी रिप्लेसमेंट से आपका बढ़िया चलना शुरू हो जाता है, जब आप अच्छा चलते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर, आपकी डायबिटीज़, आपका हार्ट, आपका ऑस्टियोपोरोसिस, बाकी सब बीमारियाँ भी कंट्रोल में आ जाती हैं और उससे रिहैबिलिटेशन बहुत जल्दी है, क्योंकि टोटल नी रिप्लेसमेंट का मरीज़ 1 दिन के बाद ही चला देते हैं हम, उसमें कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, तो बहुत कामयाब सर्जरी है। डरने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़रूरत है तो ज़रूर करवाएं, हैं, ऑब्जेक्टिव फैसले लिए जाएं हेल्थ के बारे में, और हेल्थ के बारे में डर के फैसले ना लिए जाएं कोई भी।
ये है। और बाकी किसी भी जानकारी के लिए आर्थराइटिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आपने हमारे स्पेशल सेगमेंट में देखा और हमने आर्थराइटिस के बारे में सर ने आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, सर को मोर देन 25 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, सर चेयरमैन है AFI के, और अगर आपको कोई परेशानी ऐसी है, हमारा मकसद है कि इस प्रोग्राम से माध्यम से आपकी वो परेशानी ज़रूर दूर हो जाएगी, क्योंकि हमने वो सारी बातों को रखा है जो कि आर्थराइटिस को लेकर अगर किसी के साथ परेशानी होगी तो वो ज़रूर दूर हो जाएगी। और फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN, तब तक के लिए नमस्कार।